हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गाइस, आज का हमारा प्रोग्राम था मेरा और सोबुल और हिमांशु का बाहर जाने का। बाइक में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है हमारी। वो कल ही मेरी पल्सर दिख रही होगी आपको पीछे, वो देखिए वो पल्सर खड़ी हुई है और पीछे दूसरी स्टार सिटी खड़ी हुई है। तो इसमें बताएंगे क्या प्रॉब्लम आई है आपको। पहले उससे पहले आप ये देखिए व्यू कैसा आ रहा है पीछे का। थोड़ी सी वीडियो सही बनेगी, व्यू अच्छा आ रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। हमें हल्की हल्की धूप खिली हुई है, बादल भी छाए हुए हैं थोड़े थोड़े। तो लोकेशन चेंज करते हैं थोड़ी, हमें जाना था घूमने के लिए। आज बाइक हम लेकर आए हैं, मैं हूँ, हिमांशु उधर और सोबुल भी है। तो उसे मैं छोड़ के रेस दूंगा तो ये भाग नहीं गाड़ी देखिए। तो गाइस, अभी मैं हूँ बाइक पे, हिमांशु भी बैठा हुआ पीछे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ मुझे आगे पिकअप कैसा बन रहा है। देखो गाड़ी का, ये पहले गियर में डाल चुका हूँ मैं, गाड़ी स्टार्ट है। ये की गाड़ी ये बिल्कुल भी चल नहीं रहा, वो सिर्फ आवाज़ करेगी बस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो गाइस, ये 200 सीसी की बाइक है, पावर बहुत ज़्यादा है इसकी। जब मैंने ली थी तो काफ़ी पावर थी, पिकअप बहुत हाई है इसका। बट अभी जब से मैंने इसमें खुरापाती किया है, क्या बोला तूने, तब से ये काम करनी बेकार करती है। मैंने क्या किया था वो बताऊँ कैसे खराब हुई है बाइक। ये देखो, मैं इसके ईंट रखूँगा इसके पहिए के नीचे, ये इस पर भी नहीं चढ़ पाएगी। तो देखते हैं चेक करके, गियर में गाड़ी है, स्टार्ट करते हैं। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, पहले गियर में डाल चुका हूँ गाड़ी को। अब ये देखिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम आई है। इस बाइक से मैंने ट्रैक्टर खींचा था। क्या बोला तूने? मैसी ट्रैक्टर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, आप जाके देख सकते हो उसे। इससे मैंने ट्रैक्टर खींचा था, तो वो खींच कर ले गई थी ये, बट कुछ देर खींचने के बाद ही ऑटोमेटिक इसमें क्या हुआ, इसकी रेस बढ़ गई अपने आप, लेकिन पिकअप नहीं ले रही थी। फिर मैंने इसका क्लच चेक किया तो क्लच बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा था इसका, क्लच लूज किया तो ये चल गई। करीब 10 दिन हो चुके हैं, उसके बाद इसमें फिर प्रॉब्लम आ चुकी है, अब तो बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले रही। तो गाइस, मैं देखो इसे दिखाता हूँ आपको एक बार दोबारा से, उठा के दिखाता हूँ। गाड़ी जो पिकअप से उठाते हैं वो भी बिल्कुल भी पिकअप नहीं ले पा रही, देखिए। बिल्कुल भी नहीं ले रही, शायद इसका क्लच चला गया है, शायद सेफ्टी प्रॉब्लम होती है अगर पिकअप नहीं लेगी बाइक। बाकी सर्विस सेंटर पे इंजीनियर बताया क्या प्रॉब्लम है, पहुँचते हैं। तो गाइस, अभी आ चुका हूँ मैं शोरूम पे, ये मेरी बाइक खड़ी हुई सामने, और भैया अभी आ रहे हैं अंदर से, वो बाइक दिखाएंगे, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, बताते हैं उनसे, पूछते हैं। तो गाइस, फाइनली भैया चेक कर रहे हैं गाड़ी को हमारी, और अभी वो बताएंगे क्या प्रॉब्लम है इसमें। हैंडल भी बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा है, टाइट हो रहा है बहुत ज़्यादा, इसका इंजन भी पी का भी ना ले रही है बिल्कुल भी। यहीं देख रहे, यहीं हो जाएगी, लेके जाओगे अभी क्लच लूज कर लिया मैंने। क्या बोला तूने? 2500 रुपये खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो उसमें खाली क्लच और कुछ और भी है? मैं क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट है, क्लच व्हील है, क्लच हब है। अच्छा, ऑयल फिल्टर है। ये जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक भाई मारो, मुझे मारो, मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो क्लच ट्रैक्टर खींचने से खराब हुआ इसका? आज निकल तो होने नहीं चाहता, ट्रैक्टर जब ट्रैक्टर को तो लोड नहीं। अभी डलवाई थी कुछ दिन पहले, बताया मुझे। गाइस, फिलहाल बाइक छोड़ के मैं आ चुका हूँ घर पे। बाइक में खर्चा है करीब 3-4 हज़ार रुपये का, खाली क्लच डलेगा तो 3,000 के लगभग खर्चा है, बाकी सर्विस भी होनी है उसकी, तो वही 4,000 रुपये का खर्चा बैठेगा उसमें। एक वीडियो बनाना इतनी महंगी पड़ेगी मुझे, कोई नहीं, चलो होता रहता है।
बाकी अक्षा क्या कर रही है ये देखो, जारा और अक्षा क्या कर रहे हो बेटा, काम कर रहे हो, ड्राइंग बना रहे हो, ड्राइंग कलर लेके आए। तो बोलो जारा कैसे बोलते हैं, देखो इनकी ड्राइंग क्या बना रहे हो, ड्राइंग कर दो। तो गाइस अभी आया हूँ मैं अपने घेर में दूध लेने के लिए, घेर के बाहर का नजारा देखिए, गाइस मैं आपको दिखाता हूँ आलू, आलू कैसे होते हैं जो बो रखे हैं खेत में, ये देखिए ये इस खेत में आलू बोए हैं हमारे घेर के यहाँ पर, ये मेरे दोस्त का खेत है पूरा, ये आलू का पेड़ है, ये देखिए ये जड़ में लगते हैं आलू, इनकी मिट्टी के अंदर लगते हैं, ये पूरे खेत में आलू बो रखे हैं हमें, बाकी वो दूर सरसों के खेत खड़े हुए हैं, ये देखिए ये जंगल है मेरे गांव का, तो गाइस आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं, ये प्याज छील रहे हैं, और ये किस लिए छील रहे हो आप प्याज, सब्जी बनानी है प्याज की, इतनी सारी प्याज की सब्जी, अरे इसलिए काट रहा हूँ ना, ये इसमें रखे रखे देखे पेड़ उग गया, यहीं पे पैदा हो जाएंगे प्याज अगर नहीं काटी तो, ये बच्चे दे देंगे यहीं, देखना ये पौधे निकल रहे हैं इसमें से, तो इन्हें काट के अपना कुछ अभी सब्जी बना लेंगे इसकी, तो फिर ये आप ही बनाओगे या कोई और बनाएगा, ये मेरी वाइफ तबस्सुम बनाएगी, नहीं आपकी वाइफ की तो तबीयत, ये ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ये परसों आई थी, झूठ मत बोलो, देखो गाइस ये प्याज घर में पड़ी हुई है और प्याज और मंगा ली, ये पड़े पड़े पेड़ उग गया इसमें, ये सब तबस्सुम के कारनामे है, ध्यान तो देने नहीं है, बस सीरियल पे ध्यान रखता है, हर घर की कहानी खराब कर रखी सीरियल ने, अपना काम खत्म करेंगी थोड़ा बहुत जो भी काम करती है, और उसके बाद सीरियल देखने बैठ जाएगी, सास भी कभी बहुत थी कहानी घर घर की, तो सीरियल से भी बहुत नॉलेज मिलती है ना, इसलिए नॉलेज नहीं मिलती, घर का नाश होता है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, नॉलेज मिलती है, घर में लड़ाइयां होती है सीरियल देख के, दुश्मन कैसे बनाए जाते हैं उसमें दिखाते हैं, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन बदला कैसे लेते हैं, चुगली कैसे करते हैं, तो फिर आप बता दो क्या करें, चुगली कैसे करती है लेडीज, तो आप बता दीजिए फिर क्या करें, हे गाइस तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास मैसेज पहुंच जाए तुरंत, और ये अक्षा के बाल देखो अक्षा के बाल क्या कर रखा बेटा बालों का, ये क्या हो रखा बालों में, तो गुड नाइट बोलो, तो गाइस मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।